Hello everyone, welcome to today's video and आज का काफी redness भरा दिन दिन काफी है। है में अचानक से एक बहुत बड़ा यहाँ पे जो करेक्शन आया है एंड द करेक्शन का एक बार में 4.6% परसेंट का करेक्शन पिटकॉइन में आया है एंड इसके काफी रीजन जो हैं आपको ट्विटर पे देख रहे होंगे वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन जो बोला जा रहा है वो ये है कि रशिया प्रिपेयर फॉर अ ड्राफ्ट लॉ टू अलाउ क्रिप्टो फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड तो ये न्यूज़ आई है वॉचर डॉट गुरु की साइट से बट अगर मैंने स्कूल किया तो मुझे इस पर कोई और रेलिवेंट सोर्स नहीं दिखा तो आई एम नॉट श्योर कि ये न्यूज़ सही है या नहीं है अगर सही है तो दिस इस बोलिश फॉर क्रिप्टो एंड ऐसा भी हो सकता है कि यू एस के जो लोग हैं वो क्रिप्टो के अगेंस्ट इसमें आए हो एंड उन्होंने क्रिप्टो किया हो बट देयर इज नथिंग कॉन्क्रीट कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है इसको सपोर्ट करते हुए तो मैं इसको नहीं लूंगा इन अकाउंट बट यहाँ पे एक ह्यूज वॉल्यूम के साथ मार्केट में डंप आया है जिसने रेजिस्टेंस के नीचे ब्रेक किया है अब यहाँ पे लोग पैनिक कर रहे हैं बट आई थिंक यू शुड नॉट बी पैनिकिंग राइट नाउ आपको एक ऑब्जेक्टिव तरीके से मार्केट को देखना चाहिए पर्सनली मैंने यहाँ पे देखा दट बेटकॉइन टू परसेंट डंप किया है इसका मतलब है कि बिटकॉइन डोमिनेंस जो है ऊपर जाने लग गई है एंड बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर जा रही है इसका मतलब ये है कि ऑल्ड सीजन पे थोड़ा सा रुकावट यहाँ पे आई है एंड सिंस इथीरियम ज़्यादा डम किया है तो हम इथीरियम के विड्रॉल्स को एक बार देख लेते हैं तो शाह अपग्रेड के, के बाद हमें पता है कि इथीरियम विड्रॉल्स अलाउ हो गए हैं एंड इतने इथीरियम अब तक जो है विड्रॉ हो चुके हैं वन मिलियन इथेरियम जरूरी नहीं है कि वो सेल ऑफ भी हुए हों एंड अगर हम देखें विड्रॉल्स का चार्ट तो अप्रैल फिफ्टीन को विड्रॉल्स हुए थे तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अप्रैल फिफ्टीन के हुए हुए से सेल ऑफ यहाँ पे हो रहा है क्योंकि करंटली कोई ऐसा विड्रॉल का स्पाइक हमें देखने को नहीं मिला उधर से तो ये चीज़ है जो हम यहाँ पे देखते हुए चलेंगे इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि ग्रीड एंड फेयर इंडेक्स कहाँ पे है तो सिक्सटी पे चल रहा है जो तो क्योंकि कल से बेटर था एंड अब ये अपडेट होगा तो आई थिंक ये फिफ्टी के आसपास आ जाएगा फिफ्टी फोर्टी के आसपास आ जाएगा बिकॉज दोबारा से मार्केट में डंप आया लास्ट टाइम हम सिक्सटी से फिफ्टी चले गए थे तो इस तरीके से ये भी चेंज कर रहा है तो लोगों में थोड़ा थोड़ा अब डर जो है बैठ रहा है जो कि इंपॉर्टेंट है बिकॉज मार्केट जो है बहुत ज्यादा ओवर लेवरेज जब हो जाता है तो मार्केट में ऐसे अचानक के करेक्शंस आते हैं टू स्पेशली शेक आउट द लॉन्ग क्योंकि बहुत सारे लोग अगर लॉन्ग हो जाएंगे तो यहाँ पे लोगों को शेक आउट भी करना पड़ेगा आप भी देख रहे होंगे कि हर जगह से लॉन्ग कॉल्स आ रही है हर जगह से बाय कॉल्स आ रही है तो उसका असर यहाँ पे पड़ेगा ऑब्वियसली हम लोग भी काफी ज्यादा स्पॉट एरियाज देख रहे थे एंड उसको मैनेज करने के लिए भी हम यहाँ पे प्लान बना रहे हैं लेकिन करंटली मैं क्या ट्रेड ले रहा हूँ करेंटली मैंने बिटकॉइन का जो है एक लॉन्ग ले रखा है एक सीरियम का शॉर्ट ले रखा है एंड एक डोक का शॉर्ट ले रखा है ये दोनों चीजें क्या कर रही है ये दोनों चीजें जो है मेरे लॉन्ग को हेच कर रही है लॉन्ग साइज बड़ा है कम्पेयर टू बोथ ऑफ देम तो लॉन्ग रफली ग्यारह सो डॉलर का है एंड ये रफली साथ में मिला के चार सौ डॉलर के हैं तो इस तरीके से मैं ट्रेड अपना जो है हेच कर रहा हूँ मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिली है एंड यहाँ पे मौका बन सकता है दैट्स आई एम एडिंग सम आर्बिट्रम आर्बिट्रम में हमें काफी प्रॉमिसिंग चीजें दिख रही है तो आर्बिट्रम में एड कर रहा हूँ एंड पिछले कुछ दिनों में जो जो मैंने 20 -20 अप वाली दी थी, उसमें तो का मेरा जो है SL हिट हो गया है तो रफली मैंने एस एल रखा था फाइव परसेंट के एक ही बार में नीचे चला गया तो ऑटोमेटिकली वो बुक हो गया है तो प्रॉब्लम आई डी में स्टॉप लॉस लगाना भूल गया था बट मैं इसको स्टिल होल्ड कर रहा हूँ एंड इसके सपोर्ट के नीचे जो है हम इसको सेल ऑफ करेंगे थोड़ा सा मुझे लॉस यहाँ पे हो सकता है बट मैं उसको लेने के लिए तैयार हूँ बिकॉज यहाँ पे प्रॉमिसिंग है ये प्रोजेक्ट एंड अगर मार्केट में ये एक फेक आउट था नीचे की साइड पे तो फिर वहां से हमें एक अच्छा एड इन प्राइस मिल जाएगा इसके बाद बात करते हैं हम और चीजों की तो हमने आपको कल की वीडियो में बताया था दैट दैट आर द ओल्ड कॉइंस आई एम वाचिंग एंड हमने उसके ये भी बोला था कि इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे हम जो है ये ट्रेड लेंगे मैंने कल आपको ये भी बताया था मार्केट काफी हीटेड चल रहा है दैट्स वाई हम ब्रेकआउट का यहाँ पे वेट करेंगे बिफोर एंट्रिंग एनीथिंग वो ब्रेकआउट नहीं हुआ जिसके कारण हम बच गए तो इस तरीके से आपको ट्रेड्स को फॉर्म करना होता है ऐसा नहीं है कि किसी ने बोला तो आप तुरंत फोमो इन करके बाय ऑफ कर लो ठीक है कल की वीडियो देखो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आज के ट्रेट मैंने आपको बता दिए एंड मेरे हिसाब से क्या हुआ है मार्केट में क्यों ये डंप आया है वो भी मैंने आपको बता दिया तो आपको क्या लगता है आपकी क्या रीजनिंग है मार्केट में डम्प क्यों आया जरूर कमेंट करके नीचे बताए अगेन दिस इज समथिंग जो प्रोडक्ट नहीं किया जा सकता था एक बार में इतनी बड़ी कैंडल आना

हूँ ऐसे कैसे मेरा लाज मुझको जीना इसका मुझे है दूर जाना दूर हो के मशहूर मजबूर यहाँ